नमस्कार, मैं रेखा दुग्गल, आप देख रहे हैं ओपन चैलेंज 24 न्यूज। आइए रुख करते हैं आज की ताजा खबर की ओर। नमस्कार साथियों, मैं विपिन पटेल, यूनाइटेड फेडरेशन ऑफ सोशल इकॉमर्स की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ। हार्दिक अभिनंदन है आप सबका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हमारी संस्था यूनाइटेड फेडरेशन ऑफ सोशल इकॉमर्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती है ग्लोबल वार्मिंग और इन्वायरमेंट जैसे इश्यूज पे, साथ में सोशल रिफॉर्म्स बहुत सारे इश्यूज पे। हमारे प्रेसिडेंट वसीम खान जी हमारे साथ में है, हमारे चीफ पर्सन महेश खान जी हैं, हमारी ब्रांड एम्बेसडर श्वेता जी हमारे साथ में हैं, हर्ष जी हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, हमारे पास एक्ट्रेस मीनाक्षी जी हैं, हमारी टीम मेम्बर लीना जी हैं। आज हम विशेष तौर पर इकट्ठा हुए हैं 1 जुलाई को होने वाले हमारे प्रोग्राम को, जिसकी थी प्राइड ऑफ द नेशन अवार्ड हम कर रहे हैं। जैसे हमारी संस्था की टैगलाइन है सोशल रिफॉर्मर्स जो हमारे नाम में भी है, तो सोशल रिफॉर्मर्स को आगे बढ़ चढ़ के सम्मानित करने के लिए और प्रेरणा देने के लिए हमने ऐसे चुनिंदा नाम लिए हैं जो खुद प्रेरणादायी शोध है बाकी सोशल रिफॉर्मर्स के लिए। और डेडिकेटेड करने का रीज़न 1 जुलाई डॉक्टर्स डे है, जो कोविड में फ्रंटलाइन वर्कर्स हमारे रहे, जर्नलिस्ट रहे, सोशल एक्टिविस्ट रहे, एजुकेशन रहे, नारी शक्तियाँ, इन 5 कैटेगरीज में हमारा अवार्ड होगा। डॉक्टर बी सी रॉय जी की जनतिथि का जो नेशनल डे बनाया जाता है नेशनल डॉक्टर्स डे, उसमें हमारा प्रोग्राम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होने जा रहा है। उनकी पूरी लिस्ट है यहाँ पर जो मैं आपके साथ अभी साझा करता हूँ। हमारे चीफ गेस्ट होने वाले हैं वेटरन जर्नलिस्ट हसन विनोद जी, साथ में हमारे श्री मनीष मेहता जी जो चेयरमैन है जिन विश्व ग्रुप के, डॉक्टर एन के अरोड़ा चेयरमैन के जो ऑल इंडिया कोविड के देख रहे हैं सारी चीज़ें, तागी के केन सिंह जी डायरेक्टर वर्ल्ड मार्क कम्युनिकेशन के, अमित खान जी एडवोकेट हैं सोशल वर्कर हैं, मोहसिन वाली जी हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ फिजिशियन यूनियन ऑफ इंडिया के, डॉक्टर आर के श्रीवास्तव जी हैं प्रोफेसर कंसल्टेंट बर्न सर्जी सब हॉस्पिटल से, डॉक्टर सुरेश कुमार मेडिकल डायरेक्टर एल जी बी हॉस्पिटल से, ऐसी सम्मानित हस्तियाँ हमारे वहाँ प्रोग्राम में होंगी। वेद टंडन जी हैं एजुकेशन कमल एंड वंदा ग्रुप के, बाकी लिस्ट हम बाकी ये मोहसिन खान जी थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे हमारे प्रोग्राम में। साथियों नमस्कार, मैं मोहसिन खान, यूनाइटेड फेडरेशन ऑफ सोशल रिफॉर्मर का फाउंडर प्रेसिडेंट, एंड हमारा जो कार्यक्रम है जो रखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में नेशनल डॉक्टर डे के उपलक्ष में, ये इसलिए रखा गया है कि 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र राय जी का जन्म तिथि भी है और उन्हीं के नाम से डॉक्टर डे मनाया जाता है। और इस वजह से और भी रखा गया है कि अभी हाल फिलहाल में जो कोरोना काल के अंदर हमारे डॉक्टर्स ने फ्रंट लाइन में आके और लोगों को जो सुविधाएं दी हैं, जिस तरीके से उनको जो है रिकवर किया है, तो अपने आप में प्रेरणादायक है। और उसी प्रेरणा को लेके हम अपने कार्यक्रम में सभी डॉक्टर्स को सम्मानित करना चाहते हैं। धन्यवाद सर। हमारे चीफ पैटर्न सर 2 शब्द गए। सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और सभी दोस्तों को आने के लिए मेरे तरफ से तहे दिल से सबको शुक्रिया। और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप लोगों ने आके हमारी ट्रस्ट की सभा बढ़ाई और इसको आगे बढ़ाने का काम किया। आज से डॉक्टर्स के बारे में जो अभी मोहसिन खान जी ने बताया उसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। डॉक्टर्स एक हमारे परिवार का ऐसा हिस्सा है जिसको पहले हम समझ नहीं पाते। जब हमें कोई परेशानी होती है तब होता है एहसास कि ऊपर भी कोई बैठा है, उसके पास जाना है, दिखाना है, और हम बहुत परेशानी में रहते हैं। उसके बाद वहाँ से मुझे रिलीफ मिलता है, दवा मिलती है और एक नया जीवन मिलता है। इसलिए हमारे समाज के लिए और दुनिया के लिए डॉक्टर का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और इसी चीज़ को देखते हुए हम अपने पूरे जीवन करियर में डॉक्टर को सबसे ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तवज्जो देने की एक वजह यह भी है कि डॉक्टर साहब जो होते हैं ये बेचारे अपने जीवन को, जिस तरह कोरोना काल में लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, लोग बड़ा परेशान थे कि कोई बाहर जाएगा, ये होगा वो होगा, उस टाइम में इन्होंने जो ड्यूटी की और जिस तरह से हमको ट्रीटमेंट दिया घर आके वहाँ बुला के बाहर, ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी अल्फाज नहीं है कि जो बयान किया जाए उनके बारे में। वो बहुत महत्वपूर्ण काम किया उन्होंने, इसलिए हम लोग पूरे तहे दिल से डॉक्टरों की बड़ा सम्मान करते हैं। और सारे डॉक्टर साहब को जो अभी बैसल ने बताया कि सब लोग आ रहे हैं, इनको बुलाने का पर्पज खाली था कि इनको जो देश में काम हुआ हमारा जो डॉक्टर देश में, इनका नाम वर्ल्ड में भेजा है। अभी तो हम यहाँ शुरू कर रहे हैं, इसको वर्ल्ड लेवल पे लेके जाएंगे।
और अपने देश के जो डॉक्टर हमारे हैं इनका नाम चाहते हैं कि दुनिया में रोशन हो। थैंक यू। ओके, नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष कुमार, नेशनल कोऑर्डिनेटर UFSR। मैं प्रोग्राम की डिटेल्स तो मोहसिन भाई जी ने और विपिन जी ने अच्छे से आपको बताई दी है। आप सभी पत्रकार बंधु जो हमारे इस कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए आए हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका संस्था की ओर से धन्यवाद करता हूं। मैं इस संस्था के जो फाउंडर हैं उनके बारे में कुछ बताना चाहता हूं कि इनकी युवा अवस्था में ही इन्होंने एक ऐसी सोच अपने अंदर लेकर आए कि पर्यावरण जो बहुत ही डिस्टर्ब हो चुका है, मानव जाति ने उसको बहुत डिस्टर्ब कर दिया है, जलवायु ग्लोबल वार्मिंग के विषय के ऊपर इतना स्पीच होती है, इतना कहा जाता है लेकिन करता कोई नहीं। पेड़ लगाने की बात तो करता है लेकिन यही कहता है मेरा पड़ोसी लगा दे, मैं ना लगाऊं। तो इसी चीजों को लेके मोहसिन खान जी ने एक एजेंडा बनाया और एक अपनी सामाजिक संस्था का गठन किया जिसका नाम यूनाइटेड फेडरेशन ऑफ सोशल रिफॉर्मर रखा। उसी के मद्देनजर इनकी ये सोच थी कि देश में जो गर्वित लोग हैं, जो प्राइड है जिनके ऊपर देश करता है, उनको सम्मान किया जाए। तो अलग अलग श्रेणियां रखी गई जिसमें डॉक्टर्स की श्रेणी, जर्नलिस्ट की श्रेणी, की जर्नलिस्ट भी अपना काम बहुत ही तहे दिल से बहुत ही अच्छे तरीके से जोड़ने का करते हैं, समाज को एक मैसेज देने का काम करते हैं। सोशल रिफॉर्मर्स जो हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनकी श्रेणी। इसी के साथ साथ नारी शक्ति जो घर से बाहर निकलकर समाज के लिए बहुत अच्छा अपना दायित्व निभाती हैं, ऐसी चार श्रेणियां जो रखी गई हैं, उसके जो विभूतियां हैं उनको 1 तारीख को प्राइड ऑफ नेशन से अवार्डेड किया जाएगा। इसके लिए मैं अपने संस्था की ओर से और पूरी टीम की ओर से मोहसिन खान जी की जो सोच है उसको काबिले तारीफ करता हूं और आए हुए सभी सम्मानित जो हमारे पत्रकार बंधु हैं उनका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्वेता निझावन है, मैं यूनाइटेड फेडरेशन की ब्रांड एम्बेसडर हूं। जैसा कि आप सब लोग यहाँ इसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि हम जो काम शुरू कर रहे हैं हम पब्लिक को बता सकें कि हम एक नई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। नई तो नहीं है लेकिन हाँ, जैसे डॉक्टर्स डे के लिए हम कर रहे हैं, वो डॉक्टर्स जो आज हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन चुके हैं और डॉक्टर्स को एक भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। और इसी के साथ साथ यूनाइटेड फेडरेशन है नेचर के ऊपर वर्क कर रही है, जैसे पानी है, पेड़ पौधे हैं, इन सब के लिए, क्योंकि ये भी चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इवान, सबको नमस्कार। सबसे पहले हमारे यहाँ पर आए हुए जर्नलिस्ट, उनको थैंक्स कि उन्होंने इतना टाइम निकाला इस फेडरेशन को कवर करने के लिए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ये इस वजह से रखी गई है कि 1 जुलाई को एक प्रोग्राम, एक इवेंट होने जा रहा है USFR की तरफ से। मोहसिन खान जी ने जो ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की, अब तक आप लोग को सब बता चुके हैं, एनवायरनमेंट पे, एनवायरनमेंट को लेके इन्होंने इतना फ्रेंडली काम किया, उसके बाद उसको अपने प्रोग्राम को फैलाते हुए ये इस मुकाम पे पहुँचे हैं आज कि ये एक इवेंट करने वाले हैं जिसमें कि हमारे देश के, हमारे एरिया के कुछ ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाएगा जिसपे कि डॉक्टर्स तो ठीक है फर्स्ट उस पर आते हैं, उसके साथ साथ इन्होंने सोशल एक्टिविस्ट, एजुकेशनिस्ट और कुछ चुनिंदा ऐसे लोग लिए हैं जो कि इस संस्था और इस जैसी कई संस्थाओं के लिए भी काम करते हैं। एनवायरनमेंट को क्लीन करना, सिर्फ एक वो एनवायरनमेंट का मतलब सिर्फ एनवायरनमेंट को क्लीन करना नहीं, उसके साथ साथ पूरे देश की चीज़ों को, पूरे देश की जो आजकल कोरोना का काल था तब से लेके अब तक में जिसने जो जो अपना कोऑपरेशन दिया उनको सम्मान करने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है 1 जुलाई को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में। मोहसिन खान जी की तरफ से और आप सब हमारे सब मित्रों की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो सर एवरीवन, आई एम मीनाक्षी शर्मा, मैं मॉडल एक्ट्रेस हूँ और मैं काफ़ी फिल्म्स में और सीरियल में काम कर चुकी हूँ। मैं सबसे पहले विपिन खुटेल जी और मोहसिन खान जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है कि मैं आप सब लोगों के सामने अपनी वेब सीरीज PNP जंक्शन जो कि 7 जुलाई 2022 को ऑन MX प्लेयर पर आने वाली है
उसको उसके बारे में बात कर सकूँ। मेरी ये फिल्म मेरी ये वेब सीरीज आ रही है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इसमें मेरे साथ जो हैं पीयूष मिश्रा जी भी हैं, पीयूष गुप्ता जी भी हैं और पांकुरी अवस्थी भी जी हैं, उनके साथ मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। और ये बहुत एक कॉमेडी वेब सीरीज है तो आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। तो आजकल बहुत सीरियस है, इतना वॉर चल रहा है, चाइना की टेंशन है, इन्फ्लेशन है, बहुत कुछ चल रहा है, तो आपको थोड़ा सा लाइट एंटरटेनमेंट चाहिए तो आप ये वेब सीरीज जरूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरा काम कैसा लगा। और मैं इसके साथ ही मोहसिन खान जी को, विपिन खुटेल जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो हमारे देश के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स को ये अवार्ड दे रहे हैं, उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारा देश जो है ऐसे लोगों की वजह से ही विश्व में नंबर वन बन पाएगा और देश और पूरे विश्व की और देश की सेवा कर पाएगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज प्लीज मेरी वेब सीरीज जरूर देखिएगा। हमारे साथ खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ओपन चैलेंज 24 न्यूज। नमस्कार।